बड़ी दुखदायी घटना करके आप इतने इकट्ठे हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के तफरी स्वरूप उन्होंने कोई लै गया, सारी संगत को बड़ा दुख है। मैं शुरू भी कहना चाहना है अभी सारी संगत इतने आई है, अभी कोई सियासत करने वास्ते नहीं आए, ना किसी को सियासत करनी चाहिए है। साडा कल्ला ते कल्ला मकसद इको एक है, पुलिस कोले असी आए हैं जल्दी तो जल्दी जिथे भी शुरू हैं उन्होंने वापस लिया जाए। पिछले 20-25 दिन पहले खबर आई, उदो ही मैं रखड़ा साहब न गल की, पटियाले दे लीडरशिप न गल की, SSP ना गल की, मैं रखड़ा साहब ते सारी लीडरशिप नू बेनती की कि तुसी पुलिस महकमे दे हर अफसर कोले जाके उन्हें गल करो कि जल्दी से जल्दी पता लगे कौन दोषी है। पिछले 20-25 दिनों च कुछ नहीं होया, ऐस करके अज आप इतने आए हैं। श्रोमणी अकाली दल पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है, इस साल दिसंबर 100 साल पुरानी जथेबंदी हो जूगी। सब तो पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होया, जो महंता ने गुरु घर से कब्जा किया, उसके बाद उन्होंने कौम ने फैसला किया कि उन्हां तो गुरु घर आजाद कराना है। आजाद करा के संघर्ष करा के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होया। जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होया उस टाइम की लीडरशिप ने फैसला किया कि कौम नूं एक पोलिटिकल सियासी पार्टी चाहिए है जिहड़ी कौम के मसलों वास्ते, कौम की चढ़ती कला वास्ते, कौम की हर इशू वास्ते लड़ सके। तकरीबन महीने तो पहले ही पहले SGPC का गठन होया, फिर उन्होंने श्रोमणी अकाली दल का गठन किया। सो 100 साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी है, 100वां साल श्रोमणी अकाली दल का भी है। श्रोमणी अकाली दल का इतिहास ते निशाना मकसद सिख पंथ की सेवा, गुरु घर की सेवा। श्रोमणी अकाली दल नूं कोई कांग्रेस पार्टी तो या पंथ दोषी पार्टियां तो सानू कोई सर्टिफिकेट लैन की लोड़ नहीं कि साडे दिल च की सत्कार ते शरदा है। वो लोग प्रचार करदे जिन्हां दे आप दिल च कोई सत्कार नहीं, वो लोग जिहड़े कौम दे पंथ दे गुरु दे दुखी है, वो श्रोमणी अकाली दल की गल करते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज कल मैं प्रेस से बहुत वड्डे एडिटर को बैठा सी, गल चल पी, गल हुई कि सिख पंथ एक डेमोक्रेटिक पंथ है, डेमोक्रेटिक तरीके नाल गुरु अपने गुरु घर की संभाल होती है। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन थले पार्लीमेंट के एक्ट थले बनी है, कोई असी नहीं बनाई, कोई अकाली दल ने बनाई या किसी ने बनाई, और पार्लीमेंट के एक्ट थले हर 5 साल बाद इलेक्शन होता, हर 5 साल बाद इलेक्शन। कोई सुखबीर सिंह बादल नहीं करवाउंदा इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिख जुडिशियल कमीशन, सिख गुरुद्वारा कमीशन बनाया गया,
सरकार दे अधीन हुंदा इलेक्शन वोटा भी सरकार दी जिहड़ी एसडीएम डीसी उहनां ते बननी है, हर सिख वोट बना सकदा है, ते इलेक्शन भी सरकार दी निगरानी थल्ले हुंदा है। ते देख लो 100 साल इलेक्शन हुंदे नूं हो गए, हर 5 साल बाद ते रिजल्ट देखो तुसीं, सिख पंथ नूं विश्वास कली इक जथेबंदी दी है, उह श्रोमणी अकाली दल दी। देखो कई पंथ तो थी, कई वो पार्टियां जेड़ियां अज बयान कर दियां झूठे प्रचार कर दियां इन्ना इलेक्शन चाहनी है, पर सिख पंथ ने फतवा 100 साल लगातार इको एक पार्टी के सिर से आशीर्वाद सिर से हाथ रखे है, वो श्रोमणी अकाली दल रखे है। एंड जिन्ना इलेक्शन सीटा होनी है 97-98% सीटा श्रोमणी अकाली दल नूं जिता के सिख संगत भेजदी है, आई हिस्टरी है इतिहास। सिख पंथ की जो भी सरकार पंजाबियों की, जो खालसा पंथ की सरकार आई, श्रोमणी अकाली दल की सरकार पंजाब बनती है, निशाना की होंदा है? ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖੂਬਸੂਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਸੀਵਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਉਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ 1 ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ, 3 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੋਢੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ
गुरु महाराज के पावन स्वरूप है, पता लगाओ किथे है। नहीं तो श्रोमणी अकाली दल नू संघर्ष करना पैना। 18 तरीक नू श्रोमणी अकाली दल ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग फिर तो छद्दी है। उदों तक शांतमई तरीके नाल इत्थे जिला पटियाले का ते नाल दे 51 मैंबर दे जथे इत्थे पाठ करते हुए इत्थे बैठणगे। 18 तरीक तक जे नहीं कुछ होया फिर पार्टी फैसला करूंगी अगला की एक्शन लेना है। आ साडा फर्ज है, कल्ले एतवार आपां इत्थे नहीं होना क्योंकि दफ्तर बंद है। आ साडा फर्ज है, असीं कोई आ ड्यूटी है कौम दी, साडी अकाली दल दी ड्यूटी है। मैं ज्यादा समा नहीं लेना चाहता, मैं आई बेनती करता आज जी सरकार है मैं आज उदे बारे कोई जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि आज इशू है बड़ा सीरियस इशू है ते मैं अपने आप नूं इत्थे सीमित रखना चाहना क्योंकि मैं फिर तो दिखाना चाहना। साडा निशाना कोई सियासत करदा नहीं, साडा निशाना इक है SSP साहब IG साहब जो स्वरूप कोई ले गया गुरु महाराज के स्वरूप लेके गए जल्दी तो जल्दी लेके आओ, नहीं तो सिख पंथ संघर्ष करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। क्या है परेशान, क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियार रफीक मोहम्मद जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप, आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाए। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए हुने डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।